हेलो एवरीवन, तो पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था अबाउट द रिकर्सिव फंक्शन, दैट इज़ हाउ टू फाइंड द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ रिकर्सिव फंक्शंस एंड हाउ टू फाइंड द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ नॉन रिकर्सिव फंक्शन। तो पिछले वीडियोस के अंदर हमने सिर्फ कुछ एग्जांपल्स ही पढ़े थे। मैंने सिर्फ एक ही एग्जांपल लिया था रिकर्सिव फंक्शन का, जिसमें हमने रिकर्सिव फंक्शन के केस में पहले एक एग्जांपल लिया था मैंने आपके पास फैक्टोरियल ऑफ नंबर का, और फैक्टोरियल ऑफ नंबर के बाद जो नेक्स्ट एग्जांपल मैंने लिया था वो था हाउ टू फाइंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ अ बाइनरी सर्च फंक्शंस। अब हमारे पास उसके अलावा बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम होंगे जिनकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमें निकालनी होगी, और बहुत सारे रिकर्सिव फंक्शंस होंगे। अब देखिए, मैं इन वीडियोस को काफ़ी पहले मैं बना भी चुका हूँ, द सर्चिंग एंड सॉर्टिंग टेक्निक्स के वीडियोस को मैं पहले बना भी चुका हूँ। उसी तरीके से आपने पहले एक फंक्शन मैंने बनाया था, द मर्ज सॉर्ट फंक्शन, द क्विक सॉर्ट फंक्शन। अपकमिंग वीडियोस के अंदर भी मैं मर्ज सॉर्ट और क्विक सॉर्ट के टाइम के जो फंक्शंस है उसको मैं दोबारा से डिस्कस करूँगा, लेकिन यहाँ पर मैं एक शॉर्ट फॉर्म में मैं इन फंक्शंस को ले लेता हूँ। जैसे कि सबसे पहले जो मैं फंक्शन लूँगा वो एक मर्ज सॉर्ट फंक्शन होगा, जिससे मैं आपको ये बता सकूँ कि वहाँ पर आप रेकरेंस रिलेशंस कैसे बनाते हैं और उन रेकरेंस रिलेशंस से आप टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को किस तरीके से निकाल सकते हैं। जैसे कि देखिए, मेरे पास एक मर्ज सॉर्ट का फंक्शन है, मर्ज सॉर्ट। तो हाउ डू यू डू द मर्ज सॉर्ट? मर्ज सॉर्ट ऑन अरे ए, और हमारे पास जो स्टार्टिंग इंडेक्स लोकेशन है वो है हमारे पास P, एंडिंग इंडेक्स लोकेशन इज R। तो मर्ज सॉर्ट कैसे करते हैं? वी डू इफ P इज लेस देन R, देन वी मेक Q इज इक्वल टू P प्लस R डिवाइड बाय 2, एंड देन वी डू मर्ज सॉर्ट ऑन लोअर अरे, दैट मर्ज सॉर्ट ऑन A, P, Q, एंड देन मर्ज सॉर्ट ऑन A Q plus 1 to R, and then do merge on A, P, Q and R। अब देखिए, अगर आपको ये फंक्शन समझ में नहीं आता, अगर आपने मेरे जो पहले वाले वीडियोस हैं मर्ज सॉर्ट के, अगर आपने वो नहीं भी पढ़े तो डोंट वरी, बिकॉज हमें इस समय पर उतना इन डेप्थ नॉलेज नहीं चाहिए। हमें सिर्फ ये देखना है कि इस तरह के अगर आपके पास कोई फंक्शन है तो यहाँ पर जो रिकरेंस रिलेशन है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का, आप उस रिकरेंस रिलेशन को कैसे बना सकते हैं। अगर आप उस रेकरेंस रिलेशन को बना सकते हैं, अगर आपको ये समझ में आ गया कि वो रेकरेंस रिलेशन कैसे बनेगा, तो नेक्स्ट टाइम मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है कि रेकरेंस रिलेशन कैसे बनेगा। मुझे सिर्फ एक रेकरेंस रिलेशन लेना है और मुझे उसको सॉर्ट सॉल्व करके दिखाना है कि इस रेकरेंस रिलेशन को आप कैसे सॉल्व करेंगे। ध्यान दीजिए, मर्ज सॉर्ट कैसे बोलता है? मर्ज सॉर्ट बोलता है कि अगर आपके पास एक अरे है ए पी आर, जैसे कि ये आपके पास एक अरे है, यहाँ पर n एलिमेंट्स हैं, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक इन टोटल वी हैव n एलिमेंट्स, और यू कैन सी वी हैव n नंबर्स। द स्टार्टिंग इंडेक्स लोकेशन हियर इज p एंड द एंडिंग इंडेक्स लोकेशन हियर इज r। तो हमारे पास दो इंडेक्स लोकेशंस हैं यहाँ पर, एक है स्टार्टिंग p और एंडिंग इंडेक्स लोकेशन है हमारे पास r। तो हम चेक करेंगे इफ p इज लेस देन r, यानी कि इस अरे के अंदर क्या एटलीस्ट एक एलिमेंट है। अगर इस अरे के अंदर कम से कम एक एलिमेंट है तो आप इस अरे के ऊपर मर्ज सॉर्ट परफॉर्म कर सकते हो। लेकिन अगर इस अरे के अंदर एक भी एलिमेंट नहीं है, देखो p इज लेस देन r किस कंडीशन में होगा? अगर इस अरे में सिर्फ एक एलिमेंट है तो p इज नॉट लेस देन r, p और r एक ही लोकेशन पर पॉइंट करेंगे। ठीक है, देखो जैसे कि अगर हमारे पास एक इस तरीके से अरे है जिसके अंदर सिर्फ एक एलिमेंट है a, तो p भी यहां पर पॉइंट करेगा और r भी यहां पर पॉइंट करेगा। देखो, p पॉइंट कर रहा है स्टार्टिंग इंडेक्स लोकेशन, जो भी पहली इंडेक्स लोकेशन है उस पर p पॉइंट करेगा, और R पॉइंट कर रहा है एंडिंग इंडेक्स लोकेशन, यानी कि जो कि आखिरी इंडेक्स लोकेशन है वहां पर R पॉइंट करेगा। अगर आपके पास सिर्फ एक ही एलिमेंट है एक अरे के अंदर, तो उसके अंदर आप सॉर्टिंग लगा ही नहीं सकते, क्योंकि इसको कंपेयर किससे करोगे? करेक्ट, सॉर्ट करने के लिए आपके पास कम से कम दो नंबर्स होनी ही होनी चाहिए। ध्यान दीजिए, सॉर्ट करने के लिए आपके पास कम से कम दो नंबर्स होनी ही होनी चाहिए। जैसे कि एक नंबर है हमारे पास 1, दूसरी नंबर हमारे पास 0, ये आपकी स्टार्टिंग इंडेक्स लोकेशन और ये है आपकी एंडिंग इंडेक्स लोकेशन। अब इस केस में आप सॉर्टिंग टेक्निक लगा सकते हो, कम से कम दो एलिमेंट हो तभी आप सॉर्टिंग लगा पाएंगे, अगर दो एलिमेंट नहीं है तो आप सॉर्टिंग नहीं लगा पाएंगे। अब ध्यान दीजिए, हम बोलते हैं कि इफ p इज लेस देन r, यानी कि कम से कम दो एलिमेंट हो, अगर एक भी एलिमेंट है या जीरो एलिमेंट है तो आप सॉर्टिंग नहीं लगा सकते। तो पहले हमने एक पॉइंट निकाला q, q इज इक्वल टू p प्लस r डिवाइड बाय 2, यानी कि p और r इस पूरे अरे का एक मिडिल पॉइंट आप निकाल लीजिए। तो इस पूरे अरे का हमने एक मिडिल पॉइंट निकाल दिया q।
अब इस मिडिल पॉइंट से जो लेफ्ट साइड है यहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली n बाई टू एलिमेंट्स होंगे। देखो इस मिडिल पॉइंट से इस तरफ हमारे पास टोटल n बाई टू एलिमेंट होंगे और इसके राइट साइड पर भी अप्रॉक्सीमेटली n बाई टू एलिमेंट्स होंगे। ध्यान दो, मैंने जो वर्ड यहाँ पर यूज़ किया है वो है अप्रॉक्सीमेटली, मैं एग्जैक्ट वर्ड नहीं यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि अगर ये एक मिडिल पॉइंट है तो इस समय इसके लेफ्ट साइड पर हमारे पास n बाई टू माइनस वन एलिमेंट हो सकते हैं, इसके राइट साइड पर भी n बाई टू माइनस वन एलिमेंट हो सकते हैं। स्पेसिफिकली वो डिपेंड करता है, जैसे कि अरे के अंदर इवन नंबर ऑफ एलिमेंट्स है या फिर ऑड नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो भी डिपेंड करता है, लेकिन उन चीज़ों की हमें इस समय पर कोई ज़रूरत नहीं है। हमें बस इतना समझना है कि हमने इस अरे का मिडिल पॉइंट निकाला तो अप्रॉक्सीमेटली इसके लेफ्ट साइड पर भी हाफ एलिमेंट होंगे और इसके राइट साइड पर भी हाफ एलिमेंट होंगे। अब यहाँ पर हम बोल रहे हैं कि मर्ज सॉर्ट ऑन ए पी क्यू, यानी कि इसके लेफ्ट हाफ पर फिर से यहाँ पर इस वाले से यहाँ से यहाँ तक डेटा के ऊपर आप मर्ज सॉर्ट लगा दीजिए और दोबारा से इसके राइट साइड पर यहाँ से लेकर यहाँ तक आप मर्ज सॉर्ट लगा दीजिए, यानी कि टाइम टेकन टू परफॉर्म मर्ज सॉर्ट ऑन एन डेटा आइटम्स विल बी इक्वल टू टाइम टेकन टू परफॉर्म मर्ज सॉर्ट ऑन एन बाई टू डेटा आइटम्स, अगेन टाइम टेकन टू परफॉर्म मर्ज सॉर्ट ऑन एन बाई टू डेटा आइटम्स, और लास्ट में हम यहाँ पर मर्जिंग कर रहे हैं, मर्ज कर रहे हैं, ध्यान दीजिए मर्ज कर रहे हैं। तो मर्ज का मतलब क्या है कि इस हाफ के जो डेटा आइटम आपके पास सॉर्टेड है, इस हाफ के जो डेटा आइटम सॉर्टेड है उसको इसी अरे के अंदर दोबारा से मर्ज्ड फॉर्मेट में, यानी कि दोबारा से एक सॉर्टेड फॉर्मेट में आप उनको मर्ज कर दीजिए। तो ये जो फंक्शन है, इवन दो अगर आपको इस फंक्शन की वर्किंग नहीं पता, बस इतना समझ लीजिए कि ये जो मर्ज फंक्शन है ये हमारे पास ऑर्डर ऑफ एन टाइम लेता है। जब मैं इस वीडियो को कराऊंगा, जब मैं एक सॉर्टिंग सर्चिंग एंड सॉर्टिंग टेक्निक्स को मैं कराऊंगा, तब आपको समझ में आएगा कि ये जो मर्ज फंक्शन है कितना टाइम लेता है। इस केस में अगर हम मर्ज लगा रहे हैं, दोबारा से समझिए, अगर हम मर्ज सॉर्ट लगा रहे हैं एन डेटा आइटम्स पर, तो जो पहली स्टेटमेंट है हमारे पास क्यू ऑफ पी प्लस क्यू बाई टू, और ये जो इफ स्टेटमेंट है, ये दोनों कॉन्स्टेंट अमाउंट ऑफ टाइम है, लेकिन तो इन दोनों के अलावा, लेकिन जो हमारे पास मर्ज सॉर्ट वाली स्टेटमेंट है ये इसके लेफ्ट साइड के लेफ्ट हाफ पर एक मर्ज सॉर्ट लगा रहा है, और ये वाली स्टेटमेंट इसके राइट हाफ पर मर्ज सॉर्ट लगा रहा है, और ये जो मर्ज स्टेटमेंट है ये इस पूरे जो लेफ्ट हाफ और राइट हाफ के डेटा को मर्ज कर रहा है। अब अगर मैं टोटल इसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को मेजर करूंगा या फिर टोटल कितनी बार स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होगी वो मेजर करूंगा, किसके ऊपर डिपेंडेंट होगा, दैट विल बी टाइम टेकन टू परफॉर्म मर्ज सॉर्ट ऑन एन डेटा आइटम्स, दैट विल बी इक्वल टू टाइम टेकन टू परफॉर्म मर्ज सॉर्ट ऑन फर्स्ट एन बाय टू डेटा आइटम्स प्लस टाइम टेकन टू परफॉर्म मर्ज सॉर्ट ऑन नेक्स्ट एन बाय टू डेटा आइटम्स, यानी कि दूसरे हाफ के ऊपर मर्ज सॉर्ट लगा दीजिए, प्लस टाइम टेकन टू परफॉर्म दिस मर्जिंग ऑपरेशन। तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, दिस विल बी टाइम टेकन 2 इंटू एन टी एन बाई टू प्लस एन, सो दिस इज टी एन। अगर आप इस रिकरेंस रिलेशन को सॉल्व कर सकते हैं तो आप इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को भी निकाल सकते हैं। अब यहां पर एक चीज ध्यान दीजिए, ये जो कंडीशन है इफ कंडीशन, इफ पी इज लेस देन आर, यानी कि अगर एक ही डेटा आइटम है तो आप उसमें मर्ज सॉर्ट नहीं लगा सकते, यानी कि टर्मिनेशन कंडीशन क्या हुई, अगर आपके पास सिर्फ एक ही डेटा आइटम है, और ये जो केस है, ये पर्टिकुलर केस, ये आपका कांस्टेंट टाइम लेगा, यानी कि अगर टी ऑफ वन, लेकिन अगर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही डेटा आइटम होता है तो उस एक डेटा आइटम के लिए हम सिर्फ इसी स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेंगे और कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो यहां पर लगेगा एक कांस्टेंट टाइम। तो अगर आपके पास सिर्फ एक ही डेटा आइटम है, दैट विल टेक ऑर्डर ऑफ वन टाइम, ये हो गया हमारे पास टर्मिनेशन कंडीशन। समझो, ये बोल रहा है कि टाइम टेकन टू परफॉर्म मर्ज सॉर्ट ऑन एन आइटम्स इज इक्वल टू 2 इनटू टाइम टेकन टू परफॉर्म मर्ज सॉर्ट ऑन एन बाय टू आइटम्स प्लस ऑर्डर ऑफ एन टू परफॉर्म दिस मर्ज ऑपरेशन, एंड सिर्फ अगर हमारे पास एक ही आइटम है तो उस एक आइटम पर मर्ज सॉर्ट लगाने के लिए हमें ऑर्डर ऑफ वन टाइम लगेगा। अब अगर हम इसमें देख सकते हैं कि कितने रिकर्सिव कॉल्स होंगी, अगर हम उसको सॉल्व कर सकते हैं तो उसके बता सकते हैं कि इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी। अगेन यहाँ पर जो मैं रिकर्सिव कॉल सॉल्व करूंगा, ये मैं सॉल्व करूंगा बाय डूइंग बैक सब्सटीट्यूशन मेथड। अगेन आई एम सेइंग आई एम यूजिंग बैक सब्सटीट्यूशन मेथड को मैं यहाँ पर यूज करूंगा। अब देखो कैसे करेंगे, तो टी ऑफ एन कैन बी डन एज 2 इंटू, अब जहाँ पर भी हमारे पास टी एन था वहाँ पर टी ऑफ एन बाई टू पुट कर दीजिए, एन बाई टू पुट कर दीजिए, तो एन की जगह पर एन बाई टू आएगा, तो आएगा हमारे पास 2 इंटू टी ऑफ एन बाई टू बाई टू प्लस एन बाई टू प्लस एन। ध्यान दीजिए ये जो वैल्यू है ये किसकी वैल्यू है, ये टी ऑफ एन बाई टू की वैल्यू है। कैसे आई, इस एन की जगह पर हमने एन बाई टू को पुट कर दिया। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा हमारे पास, टू स्क्वायर टी ऑफ एन बाई टू स्क्वायर प्लस एन प्लस एन। वाई, बिकॉज इस टू से ये वाला टू कैंसिल हो गया, तो हमारे पास आएगा प्लस एन प्लस एन, जिसको आप कह सकते हो इट इज़ टू इंटू
n. अब हमें t of n by 2 square की वैल्यू चाहिए, तो वैल्यू कैसे आएगी, 2 square into, अब जहां पर भी t of n था वहां पर n by 2 square पुट कर दीजिए, तो ये हमारे पास क्या बनेगा, 2 into t of n by 2 square by 2 plus n by 2 square plus 2 into n. ठीक है, ये किसकी वैल्यू तो निकली, ये निकली हमारे पास t of n by 2 square की वैल्यू. इसको सॉल्व करेंगे तो क्या निकलेगा, 2 cube t of n by 2 raised to power 3 plus n plus 2n. देखो यहाँ पर 2 square से 2 square कैंसिल हो गया, तो जो इक्वेशन हमारे पास बनी ये बनेगी हमारे पास 2 cube t of n by 2 raised to power 3 plus 3n. अब ध्यान दीजिए, अगर आप इसको एक्सटेंड करते चले जाएंगे तो ये जो स्टेटमेंट बनेगी हमारे पास kth टर्म तक, kth टर्म तक अगर आप इसको एक्सटेंड करेंगे तो स्टेटमेंट बनेगी हमारे पास 2 raised to power k t of n by 2 raised to power k plus k into n. अब ये जो हमारे पास है इस स्टेटमेंट को हम कब टर्मिनेट कर पाएंगे, जब हमें पता है ये बन जाएगा t of 1. t of 1 क्यों, क्योंकि t of 1 की वैल्यू है हमारे पास ऑर्डर ऑफ 1. अगर इसको हम किसी तरीके से t of 1 बना पाए तो इसको हम आगे टर्मिनेट कर सकते हैं. अब ध्यान दो इसको t of 1 कैसे बनाएंगे, यहाँ पर n डिवाइड बाई 2 raised to power k है, अगर हम n को n से डिवाइड कर दें तो ये बन जाएगा t of 1. तो इफ आई से लेट 2 raised to power k इज इक्वल टू n, अगर हम 2 raised to power k को n बना देते हैं तो k की वैल्यू क्या हुई, देयरफॉर k log 2 base 2 इज इक्वल टू log n base 2. मैंने छोटा शॉर्टकट ले लिया, जस्ट टेकन log ऑन बोथ द साइड्स, तो ये आ जाएगा हमारे पास k इज इक्वल टू log n base 2. तो k की वैल्यू आपको मिल गई और हमें हमने अज्यूम किया था कि 2 raised to power k हमारे पास n के इक्वल है. तो इस पूरे इक्वेशन में k की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करो और n की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करो, 2 raised to power n की वैल्यू को, 2 raised to power k की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करो, तो इक्वेशन क्या बनेगी हमारे पास, इक्वेशन विल बी n into t of n डिवाइड बाय n, n डिवाइड बाय n प्लस log n बेस 2 into n, जो हमारे पास मल्टीप्लीकेशन में n आ जाएगा, तो हमारे पास आएगा n t of 1 प्लस n log n. अब हमें पता है t of 1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, t of 1 इज ऑर्डर ऑफ 1, तो इक्वेशन बनेगी हमारे पास n into 1 प्लस n log n which is again equal to n log n प्लस n. तो ये सॉल्व करके हमारे पास tn की वैल्यू इसके इक्वल आ जाएगी. अब इस केस में अगर मैं इसके लिए ऑर्डर नोटेशन चेक करता हूँ तो इस टर्म में से और इस टर्म में से कौन सी टर्म सबसे बड़ी है, ऑब्वियसली n log n सबसे बड़ी है. तो अगर इसकी टाइमिंग कॉम्प्लेक्सिटी में लिखूंगा दैट कैन रिटर्न एज ऑर्डर ऑफ n log n, तो यहाँ पर जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकलेगी वो हमारे पास निकलेगी ऑर्डर ऑफ n log n. और ये किसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, दिस इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ मर्ज सॉर्ट. आई होप आपको मर्ज सॉर्ट अभी समझ में आया होगा. अब देखो जिस तरीके से मैंने यहाँ पर ये इक्वेशन लिखा था 2t n by 2 plus n, तो ये हमारे पास एक रिकर्सिव रिलेशन था, रेकरेंस रिलेशन था. उस तरीके से हमारे पास बहुत सारे अलग अलग तरह के रेकरेंस रिलेशन हो सकते हैं अलग अलग तरह के क्वेश्चन के लिए. मैं यहाँ पर एक या दो और रेकरेंस रिलेशन को लेने की कोशिश करता हूँ, आप उनको सॉल्व कीजिए, आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि उस रेकरेंस रिलेशन से हम कैसे सॉल्यूशन कर सकते हैं, कैसे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को निकाल सकते हैं. मैं एक या दो को और सॉल्व करूँगा, फिर उसके बाद आई जस्ट गिव यू सम एग्जांपल्स जहाँ से जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको दे सकता हूँ, और फिर मैं बताऊँगा कि मास्टर्स थ्योरम क्या होती है. ठीक है, पहले मैं स्क्रब करता हूँ फिर वापस आता हूँ. तो अगेन इस केस में मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिए हैं, मैं इसमें सिर्फ एक या दो ही सॉल्व करूँगा, उसके बाद मैं आपको कुछ प्रैक्टिस के लिए एग्जाम्पल्स दूंगा जिसको आप सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ड्यूरिंग एग्जामिनेशन में हमें इस तरीके से सॉल्व करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है. ये समझने के लिए है, ये आपकी समझ के लिए है कि बैक सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन एग्जामिनेशन में आप जब एग्ज़ाम पेपर को देने बैठे हैं, यूजीसी नेट का हो या गेट का हो, जब भी आप एग्ज़ाम पेपर को देने बैठे हैं उस समय पर आपके पास इतना टाइम नहीं होगा कि आप इसको एक प्रॉपर बैक सब्स्टिट्यूशन मेथड से, एक प्रॉपर लॉन्ग मेथड से आप इसको सॉल्व कर सकें. ध्यान दीजिए, अगर आप यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन के लिए पढ़ रहे हैं, यूनिवर्सिटी के एग्जामिनेशन के लिए पढ़ रहे हैं, तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं बैक सब्स्टिट्यूशन से, बिकॉज दे विल स्पेसिफाई, दे विल आस्क कि इस क्वेश्चन को आप बैक सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही सॉल्व करें. पर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए वो इतना सक्सेसफुल मेथड नहीं है, बिकॉज दैट इज़ वेरी टाइम कंज्यूमिंग. लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चन हो सकते हैं जहाँ पर आपको बैक सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही सॉल्व करना पड़ेगा, जहाँ पर इवन हमारी जो मास्टर्स थ्योरम है वो नहीं लगेगी. लेकिन मैं आपको कुछ ऐसे टेक्निक्स से बताऊंगा, ऐसी शॉर्ट ट्रिक्स से बताऊंगा कि जिनकी हेल्प से अगर आपको मास्टर्स, अगर आपको बैक सब्स्टिट्यूशन मेथड नहीं भी पता तो भी आप चुटकियों में क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे.
अभी मेरा कॉन्सेप्ट एम है कि हमें कॉन्सेप्ट को पढ़ना है। अब देखो हमें तीन रिकर्सिव रिलेशंस यहाँ पर दिए हुए हैं। मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले इजी वाले को पिक करने की कोशिश करता हूँ। देखो ये भी हमारे पास इजी वन है, ये भी एक इजी वन है, ये भी एक इजी वन है। तो लेट अस से कि मैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 को लेता हूँ सबसे पहले, लेट अस ट्राई। और तीनों केसेस में हमारे पास टी ऑफ 1 की जो वैल्यू है वो हमारे पास 1 गिवन है। तो लेट अस से दिस क्वेश्चन नंबर 3, तो यहाँ पर हमारे पास टी एन इज इक्वल टू टी एन बाय 2 प्लस एन स्क्वायर। टी एन इज इक्वल टू टी एन बाय 2 प्लस एन स्क्वायर। अब देखो हमें टी ऑफ एन बाय 2 की वैल्यू को यहाँ सब्सिट्यूट करना है, तो टी ऑफ एन बाय 2 की वैल्यू क्या होगी, जहाँ पर एन था वहाँ पर एन बाय 2 पुट कर दीजिए, तो बनेगा टी ऑफ एन बाय 2 बाय 2 प्लस एन बाय 2 स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। ठीक है, तो ये वैल्यू बनेगी हमारे पास टी ऑफ एन बाय 2 की, जिसको अगर आप लिखेंगे तो ये बनेगा हमारे पास टी ऑफ एन बाय 2 स्क्वायर प्लस एन बाय 2 होल स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। ठीक है, जिसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं बेसिकली, दिस इज एन स्क्वायर बाय 2 स्क्वायर, एन स्क्वायर बाय 2 स्क्वायर। ठीक है, फर्दर आप इसको एक्सटेंड करेंगे, जब हमें टी ऑफ एन बाय 2 स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है तो वैल्यू कितनी निकलेगी, टी ऑफ एन बाय 2 स्क्वायर बाय 2 प्लस एन बाय 2 स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बाय 2 स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। जिसको आप लिखेंगे तो बनेगा हमारे पास टी ऑफ एन बाय 2 क्यूब प्लस एन स्क्वायर बाय 2 रेज टू पावर 4 प्लस 1 एन स्क्वायर बाय 2 स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। फर्दर आप इसको एक्सटेंड करेंगे तो वैल्यू बनेगी टी ऑफ एन बाय 2 क्यूब डिवाइड बाय 2 प्लस एन बाय 2 क्यूब होल स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बाय 2 रेज टू पावर 4 प्लस एन स्क्वायर बाय 2 रेज टू पावर 2 प्लस एन स्क्वायर। ये वैल्यू हमारे पास बन जाएगी टी ऑफ एन बाय 2 रेज टू पावर 4 प्लस एन स्क्वायर बाय 2 रेज टू पावर 6 प्लस एन स्क्वायर बाय 2 रेज टू पावर 4 प्लस एन स्क्वायर बाय 2 रेज टू पावर 2 प्लस एन स्क्वायर। करेक्ट, अब आप फर्दर इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये किस टर्म तक एक्सटेंड हो रहा है, एक्सटेंड हो रहा है टी ऑफ एन बाय 2 रेज टू पावर 2 के। एक्चुअली वाई एम राइटिंग 2 के, बिकॉज एवरी टाइम 2 जो है वो 2, ये जो पावर है ये 2 के मल्टीपल से ही एक्सटेंड हो रही है। ठीक है, प्लस एन स्क्वायर बाय 2 रेज टू पावर 2 के माइनस 2 प्लस एन स्क्वायर बाय 2 रेज टू पावर 2 के माइनस 4 प्लस अप टू सो ऑन एन स्क्वायर बाय 2 रेज टू पावर 2 स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। ठीक है, इसको आप इस तरीके से लिख सकते हो 2 मल्टीप्लाइड बाय k माइनस 1, यहां पर भी हो सकता है 2 मल्टीप्लाइड बाय k माइनस 2 एंड सो ऑन लाइक दिस, आपको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो इस पूरी टर्म में जो हमारे पास इस साइड में जो सभी टर्म्स आई है उस पूरी टर्म में से यू कैन टेक एन स्क्वायर एज कॉमन। तो हमारे पास क्या बनेगा, ये बनेगा हमारे पास टी ऑफ एन अपॉन 2 रेज टू पावर 2 के प्लस एन स्क्वायर, अगर आप कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 2 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2 रेज टू पावर 4 प्लस 1 अपॉन 2 रेज टू पावर 6 प्लस अप टू सो ऑन 1 अपॉन 2 रेज टू पावर 2 के माइनस 1 लाइक दिस। ठीक है, अब इस पूरे केस में ये टर्म कब एलिमिनेट होगी, जब हम इस टर्म को 1 बना सके, इस टर्म को जब हम 1 बना सके, टर्म 1 कब होगी, व्हेन लेट दिस टर्म व्हिच इज 2 रेज टू पावर 2 के इज इक्वल टू एन। अगर 2 रेज टू पावर 2 के को हम एन लिखते हैं उस केस में हमारे पास k की वैल्यू क्या निकलेगी, सो वी कैन से इन दिस केस टेक लॉग ऑन बोथ साइड्स, तो हमारे पास आएगा 2k log 2 विद बेस 2 इज इक्वल टू log n विद बेस 2 विच विल बी इक्वल टू 2k इज इक्वल टू log n बेस 2, जिसको हम कह सकते हैं k इज इक्वल टू log n बाय 2। फर्दर हम इस log n को भी किस किस जगह पर हम इसको रिमूव कर पाएंगे हम उसको देखेंगे। तो जो टर्म हमारे पास बनेगी वो बनेगी हमारे पास टी ऑफ 1 प्लस एन स्क्वायर प्लस ये सभी टर्म्स। ठीक है, अब ये जो सभी टर्म है ये एक हमारे पास प्रोग्रेशन बना रहा है, अगर आप ये बता सकते हो कि इस प्रोग्रेशन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो। करेक्ट,
अब ध्यान दो, इस पूरे प्रोग्रेशन की सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ पता है क्या है? सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ कि ये जो आगे आने वाली टर्म्स है वो इतनी छोटी होती जा रही है कि ये तो वैल्यू वन है, लेकिन इस पूरी टर्म्स की सबसे जो बड़ी वैल्यू बनेगी वो हमारे पास मैक्सिमम वन ही बनेगी। इसकी सबसे बड़ी वैल्यू जो है वो हमारे पास मैक्सिमम वन ही बनेगी, अप्रॉक्सीमेटली क्लोज टू वन। तो आप इस पूरी टर्म को ऐसा भी लिख सकते हो तो एन स्क्वायर प्लस मल्टीप्लाइड बाय टू। देखो ये सीरीज जो है ना ये छोटी होती चली जा रही है, लेकिन कितनी छोटी होगी कि वन प्लस सम टर्म्स, और इन जितनी भी टर्म्स की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो हमारे पास वन बनेगी, तो बन जाएगा हमारे पास एन स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय टू। तो अगर आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा टू एन स्क्वायर प्लस वन, विच कैन बी रिटन एज ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर, ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर। तो इस पूरी टर्म को आप कितना भी सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करते जाइए, तो इसकी जो मैक्सिमम बनेगी वैल्यू वो बनेगी हमारे पास ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर। एंड आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अब इस वाले एग्जांपल को लेते हैं। तो यहाँ पर हमें गिवन है टी एन इज इक्वल टू 16 टी एन डिवाइड बाई 4 प्लस एन। टी एन इज इक्वल टू 16 टी एन डिवाइड बाई 4 प्लस एन। अब हमें टी ऑफ एन बाई 4 की वैल्यू निकालनी है, तो एन बाई 4 की वैल्यू कितनी होगी, दैट इज 16 मल्टीप्लाइड बाय टी ऑफ एन बाई 4 की, जहां पर भी एन था वहां पर एन बाई 4 पुट कर दीजिए, तो आएगा आपके पास 16 टी एन बाई 4 बाई 4 प्लस एन बाई 4 प्लस एन, इस तरीके से। तो जो वैल्यू है ये कितनी हो जाएगी हमारे पास, ये बनेगी हमारे पास 16 स्क्वायर टी ऑफ एन बाई 4 स्क्वायर प्लस, ध्यान दीजिए 16 और 4 में ये 416 से डिडक्ट होगा, तो हमारे पास आएगा यहाँ पर 4n प्लस n। फर्दर आपको इसकी वैल्यू निकालनी है विच इज t ऑफ n बाय 4 स्क्वायर। तो ये वैल्यू कितनी बनेगी हमारे पास, ये बनेगी हमारे पास 16 स्क्वायर इंटू 16 टी एन बाय 4 स्क्वायर बाय 4 प्लस n बाय 4 स्क्वायर प्लस 4n प्लस n। अब इस केस में 4 से 4 जो मल्टीप्लाई होगा यहाँ पर, तो हमारे पास आएगी वैल्यू यहाँ पर 16 स्क्वायर इंटू 16 टी एन बाय 4 क्यूब प्लस एन बाय 4 स्क्वायर प्लस 4 एन प्लस एन। 4 स्क्वायर क्या होता है हमारे पास, 4 स्क्वायर इज 16। तो इस टर्म को अगर आप लिखेंगे तो एक टर्म हमारा बन जाएगा 16 क्यूब टी ऑफ एन बाय 4 क्यूब प्लस 4 स्क्वायर से 16 स्क्वायर अगर आप कैंसिल करेंगे तो हमारे पास 16 बचेगा, जो कि हमारे पास बेसिकली 4 स्क्वायर ही होता है। तो 4 स्क्वायर n प्लस 4 n प्लस n। अब फर्दर इसको सॉल्व कीजिए, फर्दर इसे सॉल्व कीजिए तो हमारे पास क्या आएगा, 16 क्यूब इंटू टी ऑफ n बाय 4 क्यूब प्लस n बाय 4 क्यूब प्लस 4 स्क्वायर n प्लस 4 n प्लस n। तो यहाँ पर 16 होगा हमारे पास, तो ये आएगा हमारे पास टोटल 16 रेस्ट पावर 4 टी ऑफ एन बाई 4 स्क्वायर, 4 रेस्ट पावर 4, एक्चुअली दिस इज 4 आएगा यहाँ पर, एन बाई 4 रेस्ट पावर 4, स्मॉल कैलकुलेशन मिस्टेक, सो इट कैन बी रिटन एज प्लस। अब देखिए ये 16 क्यूब है और ये हमारे पास 4 क्यूब है। देखो 16 क्यूब और 4 क्यूब, 16 क्यूब यानी कि 16 मल्टीप्लाइड बाई 16 मल्टीप्लाइड बाई 16, 4 क्यूब यानी कि 4 मल्टीप्लाइड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई 4, तो इस 4 से और ये कैंसिल हो गया हमारे पास, तो उधर बचा 16 मल्टीप्लाइड बाई 16, नीचे बचा हमारे पास 4। एक्चुअली जो 16 मल्टीप्लाइड बाई 16 है ये क्या होता है हमारे पास, 4 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 4 स्क्वायर डिवाइड बाई 4, जो कि हमारे पास निकलेगा 4 क्यूब। देयरफॉर ये जो टर्म है हमारे पास, ये टर्म बनेगी हमारे पास 4 क्यूब एन प्लस 4 स्क्वायर एन प्लस 4 एन प्लस एन। इसको आप एक्सटेंड करते जाइए तो जो टर्म्स हमारे पास बनेगी ये एक्सटेंड अगर आप करेंगे kth टर्म तक ये बनेगी 16 रेस्ट पावर k टी ऑफ n अपॉन 4 रेस्ट पावर k प्लस 4 रेस्ट पावर k माइनस 1 इंटू एन प्लस 4 रेस्ट पावर k माइनस 2 इंटू एन प्लस 4 रेस्ट पावर k माइनस 3 इंटू एन प्लस अप टू सो ऑन 4 स्क्वायर n प्लस 4 n प्लस n। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। अब देखो बेटा आगे हमें 4 स्क्वायर को n एज्यूम अब तक नहीं करना, पहले आप इसको रिजोल्व कर लीजिए, जब आप इसको रिजोल्व कर लेंगे तो आप इसको फर्दर सॉल्व कर सकते हो। समझ में आई बात? देखो अब इसको फर्दर कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बस आपको पता होना चाहिए कैसे सॉल्व करना है। तो इसको कैसे लिखेंगे हम लोग, ये होगा हमारे पास 16 रेस्ट पावर k टी ऑफ n अपॉन 4 रेस्ट पावर k प्लस, इन सभी टर्म में से ध्यान दो
इन सभी टर्म में से टेक एन एज कॉमन, अगर आपने एन को कॉमन लिया तो हमारे पास अंदर क्या बचा, 4 रेस्ट पावर के माइनस 1, 4 रेस्ट टू पावर के माइनस 1 प्लस यहां पर क्या बचा, 4 रेस्ट टू पावर के माइनस 2, 4 रेस्ट टू पावर के माइनस 2 प्लस यहां पर क्या बचा, 4 रेस्ट टू पावर के माइनस 3, 4 रेस्ट टू पावर के माइनस 3 प्लस अप टू सो ऑन, लास्ट टर्म इज 4 प्लस 1. ठीक है, अब ये जो हमारे पास टर्म आई है ये क्या बना रही है बेटा, देखो ये जो टर्म आ रही है हमारे पास, ये बना रही है हमारे पास ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन. क्या बना रही है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन. ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होता है, देखो अगर हमारे पास कुछ टर्म इस तरीके से 1 प्लस जिसको हम बोल सकते हैं a प्लस ए आर स्क्वायर, ए आर प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब प्लस अप टू सो ऑन ए आर रेस्ट टू पावर n, अगर आपके पास इस तरीके से कोई टर्म है तो इन सभी टर्म्स के अंदर a इज द फर्स्ट टर्म एंड r इज द कॉमन रेशियो, इट इज द कॉमन रेशियो, इट इज अ कॉमन रेशियो. तो ये लास्ट टर्म है ar रेस्ट पावर n माइनस 1, अगर इस तरीके से होता है ar रेस्ट पावर n माइनस 1. ठीक है, तो ये एक हमारे पास टर्म है जो कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है, और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की टर्म्स का मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया भी था कि इसको कैसे लिख सकते हैं. जनरली इसकी एक और टर्म है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे, समीशन ए आर रेस्ट पावर एन वेयर एन इज फ्रॉम 0 टू आर रेस्ट पावर के वेयर के इज फ्रॉम 0 टू एन, वेयर के इज फ्रॉम 0 टू एन माइनस 1 या फिर के इज फ्रॉम 0 टू एन, वो आप अपने अकॉर्डिंग डिसाइड कर सकते हैं. तो ये जो हमारे पास एक समीशन टर्म है इसका फॉर्मूला मैं आपको ऑलरेडी करवा चुका हूं. तो इसका सबमिशन टर्म का फॉर्मूला क्या होगा, देखो अगर r हमारे पास 1 से बड़ा है तो क्या होता है, r रेस्ट पावर a इंटू आर रेस्ट पावर n माइनस 1 डिवाइड बाय r माइनस 1. क्या होता है, a इंटू आर रेस्ट पावर n माइनस 1 डिवाइड बाय r माइनस 1. किस केस में, अगर r 1 से बड़ा है, लेकिन अगर r 1 से छोटा है तो ये वैल्यू क्या होती है हमारे पास, a इंटू 1 माइनस r रेस्ट पावर n अपॉन 1 माइनस R, इसके इक्वल. अब यहां पर देखो जो R की वैल्यू है, देखो ये भी उसी चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, ध्यान दो यहां पर क्या है हमारे पास, ये सेम चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है. तो यहां पर अब आपको करना क्या है, सिंपली इस केस में A की वैल्यू है 1, तो हम इस A को छोड़ सकते हैं हमारे पास 1, क्योंकि इस पूरे सीरीज में A की वैल्यू होगी हमारे पास 1. अब हमारे पास R क्या है, यहां पर R की वैल्यू हमारे पास 4, R की वैल्यू कितनी है 4, तो आप इसको यूज करो तो ये हमारे पास आएगा 16 रेस्ट पावर के टी ऑफ एन अपॉन 4 रेस्ट पावर के प्लस एन मल्टीप्लाइड बाय, इस पूरी टर्म के अंदर हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो आएगा 1 मल्टीप्लाइड बाय 4 रेस्ट पावर एन माइनस 1 डिवाइड बाय 4 माइनस 1, 4 रेस्ट पावर एन माइनस 1 डिवाइड बाय सॉरी के है तो 4 रेस्ट पावर के माइनस 1 डिवाइड बाय 4 माइनस 1. तो टर्म हमारे पास बनेगी, ध्यान देना बेटा, 16 रेस्ट पावर के टी ऑफ एन अपॉन 4 रेस्ट पावर के प्लस एन इंटू 4 के माइनस एन डिवाइड बाय 3 डिवाइड बाय 3. हम इसको ओपन करेंगे तो एन 4 रेस्ट पावर के से मल्टीप्लाई होगा और एन माइनस 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो हो जाएगा एन इंटू 4 रेस्ट पावर के माइनस एन डिवाइड बाय, ये टर्म हमारे पास हो जाएगी 3. अब इस पूरे केस में ये पूरी टर्म हम इसको कब रिमूव कर सकते हैं, इस टर्म को तब रिमूव कर सकते हैं लेट 4 रेस्ट टू पावर के इज इक्वल टू एन, अगर 4 रेस्ट पावर के एन के इक्वल है तो हम इस टर्म को रिमूव कर सकते हैं. उस केस में व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के, सो के शुड बी इक्वल टू लॉग एन बेस 4, तो के की वैल्यू आएगी लॉग एन बेस 4. अब उनको इस केस में वैलिड कीजिए, देखो ये जो 16 टर्म थी इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं 4 रेस्ट टू पावर 2 के, 16 को हम लिख सकते हैं 4 रेस्ट टू पावर 2 के. ठीक है, तो 4 रेस्ट पावर 2 के है तो ये वाली टर्म हमारे पास हो जाएगी n स्क्वायर इंटू टी ऑफ n डिवाइड बाय n प्लस ये वाली टर्म है n मल्टीप्लाइड बाय 4 रेस्ट पावर k को हमने अगर n एज्यूम किया था तो n इंटू n डिवाइड बाय 3 माइनस n डिवाइड बाय 3, जिसको हम फर्दर लिखेंगे ये आएगा n स्क्वायर इंटू टी ऑफ 1 प्लस n स्क्वायर डिवाइड बाय 3 माइनस n डिवाइड बाय 3 विच इज फर्दर इक्वल टू ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर. किसके इक्वल आएगा बेटा, ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर. क्यों, क्योंकि एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बाय 3 हो जाएगा हमारे पास कितना हो जाएगा, ये कितना होगा बेटा 4 एन स्क्वायर बाय 3 माइनस एन बाय 3,
और सबसे बड़ी पावर क्या है यहाँ पर, एन स्क्वायर। तो इस फंक्शन की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारे पास निकलेगी, टी एन इजिकल टू 16 TN डिवाइड बाई 4 + n, इसकी जो हमारे पास टाइम कॉम्प्लेक्स निकलेगी वो निकलेगी ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर। कितनी निकली? ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, लेकिन अगर समझ में नहीं आया तो मैं एक और एग्जाम्पल लेता हूँ और इस एग्जाम्पल से फिर दोबारा से आपको समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। मैं स्कोर अप करता हूँ फिर वापस आता हूँ। अब हमारे पास लास्ट पार्ट है, तो पार्ट क्या है हमारे पास, इट इज Tn इज इक्वल टू 4Tn डिवाइड बाय 2 + n स्क्वायर। अब ध्यान दो, प्रीवियस केस वर्स केस में डिफरेंस क्या है कि यहां पर तो n था लेकिन यहां पर क्या था हमारे पास, n स्क्वायर। तो एक कैसे सॉल्व होगा, पहले तो सबसे पहले देखो, सबसे पहला स्टेप है आप ये फाइंड आउट करने की कोशिश करो कि इसमें पैटर्न क्या बन रहा है। अगर आप पैटर्न निकाल सकते हो तो आपके लिए सॉल्व करना और भी आसान हो जाएगा। तो इस केस में क्या होगा, देखो हम टी ऑफ एन बाई 2 को सॉल्व करेंगे, लेकिन उससे ये आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे कि क्वेश्चन के अंदर पैटर्न क्या बन रहा है। तो ये आएगा हमारे पास 4 × जहाँ पर भी n था वहाँ n बाई 2 पुट करो, तो टी ऑफ, तो ये आएगा 4 × टी ऑफ n डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय 2 प्लस n डिवाइड बाय 2 होल स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। क्या किया हमने, जहां पर भी n था वहां पर n बाय 2 पुट कर दिया, बिकॉज हमें टी ऑफ n बाय 2 की वैल्यू निकालनी थी, तो जहां पर भी n था वहां पर हमने n बाय 2 पुट कर दिया। तो इस टर्म में यहां पर भी n बाय 2 पुट कर दिया, इस टर्म पर यहां पर भी n बाय 2 पुट कर दिया। तो वैल्यू कितनी बनेगी हमारे पास बेटा, वैल्यू बनेगी हमारे पास 4² टी ऑफ n बाय 2² प्लस, देखो यह होगा n स्क्वायर बाय 2² और वो इससे कैंसिल हो जाएगा 4 से, तो बन जाएगा हमारे पास n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, ठीक है। देखो n स्क्वायर बाय 2² का मतलब होता है 4 और ये हमारे पास क्या है 4, तो इससे ये वाला 4 कैंसल्ड। तो टर्म जो बनी हमारे पास वो बनी 4² टी ऑफ n बाय 2² प्लस 2n स्क्वायर, करेक्ट। अब फर्दर हमें इसकी वैल्यू को निकालना है, तो इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, जहां पर भी n था वहां पर n बाय 2² पुट कर दो, तो यह आएगा हमारे पास 4² टी ऑफ, अब देखो जहां पर भी n था वहां पर हमें n बाय 2² पुट करना है, तो ये बन जाएगा हमारे पास 4t n बाय 2² बाय 2 प्लस n बाय 2² का होल स्क्वायर प्लस 2 × n स्क्वायर। तो हमने बस इस टर्म के लिए जहां पर भी n था वहां पर n बाय 2² पुट किया, तो आएगा हमारे पास 4³ टी ऑफ n बाय 2³ 4³ टी ऑफ n बाय 2³ प्लस n स्क्वायर डिवाइड बाय, देखो ये क्या है हमारे पास 4² और ये क्या है हमारे पास 2⁴, तो 4² होता है 16 और 2⁴ होता है 16, तो हमारे पास हो जाएगा एक दूसरे को कैंसल्ड, तो आएगा n स्क्वायर प्लस 2n स्क्वायर जो कि बन जाएगा 3n स्क्वायर। तो अब इसको अगर एक्सटेंड करेंगे तो बनेगा हमारे पास 4⁴ टी ऑफ n अपॉन 2⁴ प्लस के इंटू n स्क्वायर। देखो बहुत ही ईजी था यहाँ तक, कोई भी आपत्ति नहीं है, ना तो आपत्ति ना पत्ति और ना संपत्ति। सर संपत्ति तो हमें पता ही नहीं क्या होता है, गूगल करो डिक्शनरी पर सर्च करो। तो ये क्या होगा हमारे पास, देखो यहाँ पर हम इसको तब तक एक्सटेंड करेंगे जब तक ये n डिवाइड बाय n नहीं होता, क्योंकि हमें पता है कि टी ऑफ 1 की वैल्यू हमारे पास 1 है, तो हम बोलेंगे लेट 2⁴ इज इक्वल टू n, देयर फोर k इज इक्वल टू log n, ठीक है। अगर 2⁴ n है हमारे पास, तो 4⁴ क्या होगा, 4⁴ कैन ऑल्सो बी टर्न एज 2⁴ जिसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं 2⁴ मल्टीप्लाइड बाय 2⁴। अगर 2⁴ को आप n लिखोगे तो लिखा जाएगा n मल्टीप्लाइड बाय n विच इज इक्वल टू n स्क्वायर। देयरफॉर जो 4⁴ है इसको हम लिख सकते हैं n स्क्वायर टी ऑफ n डिवाइड बाय n प्लस k की वैल्यू हमारे पास log n आती है, तो n स्क्वायर इंटू log n, तो टर्म बनेगी हमारे पास n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर log n, जिसको हम लिखेंगे ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर log n। देयरफॉर ये जो आपके पास फंक्शन गिवन है, इस फंक्शन की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो बनेगी n स्क्वायर log n। क्या बनेगी? n स्क्वायर log n। तो इस तरह के जो फंक्शंस हैं ये काफ़ी इजी है सॉल्व करने, बस आपको दो तीन चीज़ों का पता होना चाहिए कि किस तरीके से हमारे पास जो टर्म्स हैं
ठीक है, वो उसमें सीरीज क्या बनती है, उसमें एपी क्या बनती है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या बनती है, और उन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में आप कैसे इसको अप्लाई करेंगे। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब आप देखेंगे आपकी स्क्रीन पर, स्क्रीन इन फ्रंट ऑफ यू, इट इज़ हैविंग सम प्रैक्टिस क्वेश्चंस। तो इन प्रैक्टिस क्वेश्चंस को आप लीजिए, उन सब के साथ उनके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को निकालिए और फिर अपने आंसर को वेरीफाई कीजिए। इसी वीडियो के आने वाले पोर्शन में मैं उन सभी की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपको लिख के दूंगा और जिसको आप वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है, अब ये जो पहला तरीका हमने किया, इस तरीके को बोलते हैं हम बैक सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्या बोलते हैं सर? बैक सब्स्टिट्यूशन मेथड। बैक, देखो, बैक सब्स्टिट्यूशन मेथड, बैक सब्स्टिट्यूशन मेथड, यानी कि जो भी वैल्यू है उसके अंदर पीछे से कुछ उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते रहो। इसके अंदर t of n by 2 square की वैल्यू को दोबारा से इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करते रहो, यानी कि पीछे से अगर उनकी वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं तो हमारे पास हो रहा है वो बैक सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब जो दूसरा मेथड है हमारे पास वो है मास्टर्स थ्योरम। बैक सब्स्टिट्यूशन मेथड में काफ़ी बार ऐसा हो सकता है कि ये जो रिकरेंस रिलेशन है वो इतना टिपिकल है कि जब आप इसको सॉल्व करने जाएंगे तो कुछ ऐसी सीरीज मिलेगी जिनको सॉल्व करने में ही आपका बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो सीरीज़ को सॉल्व करने में टाइम वेस्ट होगा, जिसमें काफ़ी बार ऐसा हो सकता है कि ऐसे कुछ रिकरेंस रिलेशन हैं जहाँ पर जब आप उनको सॉल्व कर रहे हो तो इट विल टेक एटलीस्ट हाफ एन आवर फॉर यू टू सॉल्व द एंटायर रिकरेंस रिलेशन। लेकिन पूरा एग्जाम आपका 3 घंटे का है ना, तो 3 घंटे या 2 घंटे के एग्जाम में अगर आप आधा घंटा सिर्फ एक क्वेश्चन वेस्ट करोगे तो बाकी क्वेश्चंस कब करोगे सर? तो बाकी क्वेश्चन नहीं कर सकते। इसी वजह से हमारे पास कुछ शॉर्टकट मेथड्स भी हैं, जिसमें से एक शॉर्टकट मेथड हमारे पास बैक सब्स्टिट्यूशन मास्टर्स थ्योरम, एक शॉर्टकट मेथड हमारे पास मास्टर्स थ्योरम। तो इसको मैं रब करके फटाफट क्विकली मास्टर्स थ्योरम को बोर्ड पर लिखता हूँ और फिर बताता हूँ कि जो क्वेश्चंस अभी मैंने आपको दिए थे प्रैक्टिस करने के लिए उन सभी क्वेश्चंस में मास्टर्स थ्योरम कैसे लगेगा और उन मास्टर्स थ्योरम से हमको कैसे सॉल्व करेंगे। 2-3 क्वेश्चंस मैं आपसे सॉल्व कराऊंगा, बाकी आप खुद कर लेंगे। समझ में आया? ठीक है, मैं इसको रब करता हूँ और मास्टर्स थ्योरम दोबारा से बोर्ड पर लिख। तो अब हमें मास्टर्स थ्योरम करना है। तो मास्टर्स थ्योरम क्या बोलती है? मास्टर्स थ्योरम इज फॉर डिवाइड एंड कॉन्कर रेकरेंस रिलेशन। दो तरह की मास्टर्स थ्योरम है, जो अभी समय पर हम लोग कर रहे हैं वो डिवाइड एंड कॉन्कर रेकरेंस रिलेशंस के लिए कर रहे हैं। इट्स अ वेरी शॉर्ट मेथड, शॉर्टकट है, जो क्वेश्चंस है वो इतने इजीली सॉल्व हो जाएंगे विद इन 5 सेकंड्स। अगर आपको थ्योरम याद है तो एग्जामिनेशन में आप उसको इतना इजीली सॉल्व कर दोगे कि जो क्वेश्चन आपका हाफ एन आवर लेता था, यानी कि आधा घंटा लेता था सॉल्व करने के लिए, इस थ्योरम की हेल्प से वो क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ 5 सेकंड के अंदर सॉल्व हो जाएगा। तो क्वेश्चन क्या है, थ्योरम क्या है हमारे पास? अगर कोई भी रेकरेंस रिलेशन इस फॉर्म में है, tn is equal to at n divided by b plus theta of n raised to power k log p into n, log pn, actually log raised to power pn है ये हमारे पास, जिसमें हम log n निकाल रहे हैं, जहाँ पर a जो है it should be greater than 1, b should be greater than 1, a जो है greater than equal to हो सकता है लेकिन b हमारे पास 1 से बड़ा होना चाहिए। फिर हमारे पास है k, k जो है वो 0 से greater than or equal to होना चाहिए, और है हमारे पास p, p should be a real number। real number का मतलब क्या है? p के अंदर हमारे पास पॉइंट या फिर डेसिमल वैल्यू भी हो सकती है। p की वैल्यू p की वैल्यू 0.5 हो सकती है, p की वैल्यू 0.1 हो सकती है, p की वैल्यू 1.7 हो सकती है। तो जो p की वैल्यू है वो हमारे पास एक डेसिमल नंबर हो सकती है। अब इफ a इज ग्रेटर देन b रेस्ट पावर k, अगर a b रेस्ट पावर k से बड़ा है तो सॉल्यूशन होगा tn इज इक्वल टू थीटा ऑफ n रेस्ट पावर log a बेस b। इफ a इज इक्वल टू b रेस्ट पावर k, तो उसमें हमारे पास 3 केसेस बनते हैं। इफ p इज ग्रेटर देन -1 देन tn इज इक्वल टू थीटा ऑफ n रेस्ट पावर log a बेस b मल्टीप्लाइड बाय log p प्लस 1 n। सेकंड केस, इफ p इज इक्वल टू -1, अगर p की वैल्यू -1 है, जो p है वो हमारे पास -1 है, उस केस में tn कैन बी इक्वल टू n रेस्ट पावर log a बेस b log ऑफ log n। लेकिन अगर p की वैल्यू -1 से भी छोटी है, p की वैल्यू -1 से भी छोटी है, विच इज़ -2 -3 -1.5 इस तरीके से, तो उस केस में tn कैन बी इक्वल टू थीटा ऑफ n रेस्ट पावर log a बेस b। ठीक है, अब देखो, इफ a इज लेस देन b रेस्ट पावर k, तो उस केस में हमारे पास आएगा, अगर p की वैल्यू 0 से बड़ी है, then tn is equal to theta of n raised to power k log p into n। if p is less than 0 then tn is equal to order of n raised to power k।
कुछ एग्जांपल्स लेता हूँ, जो प्रीवियस एग्जांपल्स लिए थे मैंने वो भी आप इससे सॉल्व कर सकते हैं, बट उसके अलावा मैंने एक दो नए एग्जांपल्स लिए हैं जहाँ पर आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। अब ध्यान दो, जो पहला एग्जांपल है हमारे पास वो है हमारे पास 3 × t n/2। यहाँ पर जो 3 है वो रिप्रेजेंट कर रहा है a को, ये 3 रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे पास a को, ये 2 रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे पास b को, ठीक है। अब यहाँ पर n रेज़ पावर k है, तो जो 2 है वो हमारे पास k की वैल्यू है, और log रेज़ पावर p n की वैल्यू है, तो उसमें p की वैल्यू है हमारे पास 0, बिकॉज अगर log रेज़ पावर 0 है दैट मीन्स इसकी वैल्यू होगी हमारे पास 1। तो इस पूरे इक्वेशन में आपको a पता है, b पता है, k पता है, p पता है। अब मैच करो, पहला ऑप्शन है हमारे पास a रेस्ट इज ग्रेटर देन b रेस्ट पावर k, तो b रेस्ट पावर k, b की वैल्यू 2 है और k की वैल्यू 2 है, तो 2 रेस्ट पावर 2 इज 4, तो a इज नॉट ग्रेटर देन b रेस्ट पावर k, पहला कंडीशन फॉल्स। दूसरा, a इज इक्वल टू b रेस्ट पावर k, ये वाली कंडीशन भी हमारे पास फॉल्स हो गई। तीसरा, a इज लेस देन b रेस्ट पावर k, देखो a की वैल्यू है 3, देखो यहाँ पर क्या है, a लेस देन 3 b रेस्ट पावर k, a की वैल्यू हमारे पास, a की वैल्यू क्या हमारे पास 3, b की वैल्यू क्या हमारे पास 2, k की वैल्यू क्या हमारे पास 2, तो 3 इज लेस देन 4। अब यहाँ पर क्या p ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है? यस, क्योंकि p की वैल्यू हमारे पास 0 है, तो आंसर क्या होगा हमारे पास, आंसर इज थीटा ऑफ n रेस्ट पावर k log p n, यानी कि बनेगा हमारे पास थीटा ऑफ n रेस्ट पावर k, k की वैल्यू हमारे पास 2, log रेस्ट पावर p, p की वैल्यू है 0 इंटू n, विच इज इक्वल टू थीटा ऑफ n स्क्वायर। अगर आप इस रेकरेंस रेशियो को सॉल्व करेंगे तो इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्स निकलेगी वो निकलेगी हमारे पास थीटा ऑफ n स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट केस हमारे पास है 4 × t ऑफ n/2 + n2। अब यहाँ पर ये 4 दिखा रहा है a की वैल्यू, ये 2 दिखा रहा है b की वैल्यू, ये वाला 2 दिखा रहा है k की वैल्यू, और यहाँ पर log रेज टू पावर 0 है हमारे पास, तो 0 क्या है हमारे पास k की वैल्यू, ठीक है। तो आपके पास सभी वैल्यूज हैं, यहाँ पर दोबारा से चेक कीजिए हमारे पास कौन सा केस वैलिड है। पहला केस है हमारे पास a इज ग्रेटर देन b रेज टू पावर k, तो b की वैल्यू 2 है और k की वैल्यू भी हमारे पास 2 है, तो 2 रेज पावर 2 इज 4। एक्चुअली यहाँ पर a इज इक्वल टू b रेज पावर k हो रहा है, तो यहाँ पर हमारे पास सेकंड केस वैलिड होगा। अब सेकंड केस में अब दोबारा से यहाँ पर चेक करो कि p की वैल्यू कितनी है हमारे पास, p इज 0, तो p जो 0 है वो हमारे पास पहला केस आता है इफ p इज ग्रेटर देन -1, तो p की वैल्यू 0 होगी, तो हमारा सॉल्यूशन क्या होगा यहाँ पर, tn इज इक्वल टू थीटा ऑफ n रेज टू पावर log a बेस b, तो n रेज टू पावर log 4 बेस 2 मल्टीप्लाइड बाय log ऑफ p प्लस 1, तो p की वैल्यू थी 0, तो 0 प्लस 1 इंटू n, जो कि हमारे पास आएगा थीटा ऑफ n स्क्वायर log n, तो log 4 बेस 2 क्या होगा हमारे पास स्क्वायर, यानी कि 2, तो यहाँ पर सॉल्यूशन आएगा log n स्क्वायर log n। उस तरीके से इस केस में आप देखो यहाँ पर क्या है हमारे पास, a की जो नेगेटिव टर्म है, बिकॉज ऑफ दिस नेगेटिव टर्म यहाँ पर आपकी मास्टर्स थ्योरम वैलिड नहीं है। तो ऐसे काफ़ी ऐसे केसेस होंगे जहाँ पर आपके पास नेगेटिव टर्म्स हैं, इन नेगेटिव टर्म्स के लिए ऐसे केसेस के लिए आप बैक सब्स्टिट्यूशन लगा सकते हो। ध्यान दीजिए, ऐसे केस में बैक सब्स्टिट्यूशन पॉसिबल है, लेकिन ऐसे केसेस में आप मास्टर्स थ्योरम नहीं लगा सकते। तो इस केस के लिए मास्टर्स थ्योरम वैलिड है नहीं है, तो बोल सकते हो इट इज़ नॉट वैलिड फॉर मास्टर्स थ्योरम। नेक्स्ट, टी एन इज इक्वल टू √2 t n/2 + log n। अब इस केस में हमारे पास ये हमारे पास a की वैल्यू, ये हमारे पास b की वैल्यू, अब यहाँ पर हमारे पास k की वैल्यू कितनी है, k इज इक्वल टू 0, क्यों, क्योंकि इट इज n रेज टू पावर 0, वही हमारे पास 1 होता है, k की वैल्यू होगी हमारे पास 0, लेकिन यहाँ पर p की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1, ठीक है। तो इस केस में आप चेक करो केस कौन कौन से वैलिड है। पहला केस है a इज ग्रेटर देन b रेज टू पावर k, यानी कि a के अंडर रूट 2 b रेस्ट पावर k, यानी कि 2 रेस्ट पावर 0, तो अंडर रूट 2 इज ग्रेटर देन 1। देखो यहाँ पर क्या है, a इज ग्रेटर देन b रेस्ट पावर k, a की वैल्यू कितनी है हमारे पास अंडर रूट 2, b की वैल्यू कितनी है हमारे पास 2, k की वैल्यू कितनी है हमारे पास 0, तो क्या हो जाएगा हमारे पास अंडर रूट 2 इज ग्रेटर देन 1, विच इज वैलिड, ठीक है। तो इस केस में पहला केस हमारा वैलिड हुआ, तो सॉल्यूशन क्या होगा, tn इज इक्वल टू थीटा ऑफ n रेज टू पावर log a बेस b, a की वैल्यू है रूट 2 बेस b, सो ये आएगा हमारे पास n रेज टू पावर log ऑफ अंडर रूट 2 विथ बेस b, b की वैल्यू क्या है हमारे पास 2, जिसको हम क्या लिखेंगे फर्दर, ये आ जाएगा n रेज टू पावर अंडर रूट 2 को हम लिखते हैं 1/2, तो आ जाएगा 1/2 log 2 बेस 2,
which is equal to n raised to power 1 by 2 which is equal to under root n. तो इस पूरे फंक्शन की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो कितनी होगी, थीटा ऑफ अंडर रूट एन, थीटा ऑफ अंडर रूट एन. इस तरीके से इस तरह का कोई भी क्वेश्चन है जहां पर ये मास्टर्स थ्योरम वैलिड है आप उसको विद इन फ्यू सेकंड सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, समझ आया आपको? करेक्ट. कुछ एग्जांपल्स हैं जो यहाँ पर स्क्रीन पे आपके पास फ्लैश हो रहे होंगे, उन एग्जांपल्स को देखिए, उनसे प्रैक्टिस कीजिए और चेक कीजिए कहाँ कहाँ पर आप मास्टर्स थ्योरम लगा सकते हैं और कहाँ कहाँ पर मास्टर्स थ्योरम वैलिड नहीं है. तो अभी हमने कवर किया था मास्टर्स थ्योरम फॉर डिवाइड एंड कॉन्कर टेक्निक्स. अब मास्टर्स थ्योरम की एक और वेरिएंट है जहां पर इसको बोलते हैं सब्ट्रैक्शन एंड कॉन्कर टेक्निक. तो उस केस में अगर आपके पास कोई भी टर्म इस फॉर्म में है, सी इफ एन इज लेस देन और इक्वल टू वन, ए इंटू टी ऑफ एन माइनस बी प्लस एफ एन इफ एन इज ग्रेटर देन वन, फॉर सम कॉन्स्टेंट सी ए बी के, जहां पर ए जो है वो जीरो ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, बी भी ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए और जो k है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो हो सकता है. उस केस में अगर ये जो फंक्शन fn है, अगर ये फंक्शन fn n raised power k की फॉर्म में है तो हमारे पास जो फॉर्मूला वैलिड है वो इस तरीके से होगा, tn is equal to order of n raised power k if a is less than 1, tn is equal to order of n raised power k plus 1 if a is equal to 0 and it is order of n raised power k into a raised power n by b if a is greater than 1. अब इसकी एक और वेरिएंट है जहां पर अगर हमारे पास रिकंसिलेशन इस तरीके से गिवन है, टी एन इज इक्वल टू टी ऑफ अल्फा एन प्लस टी ऑफ वन माइनस अल्फा एन प्लस बीटा एन, तो उस केस में हम इस तरीके से इसको लगा सकते हैं जहां पर सॉल्यूशन होगा हमारे पास एन इंटू लॉग एन. तो मास्टर्स थ्योरम को आप अपनी नोटबुक में लिख लीजिए क्योंकि ये शॉर्टकट मेथड्स हैं जो आपके एग्जाम में हेल्प करने वाले हैं. अब ध्यान दीजिए, मोस्टली अगर ऐसा कोई सॉल्यूशन है जो कि आपसे ना तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से हो रहा है ना मास्टर्स थ्योरम से हो रहा है, उसके लिए हमें एक टॉपिक है रेकरेंस रिलेशन इन डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, हमें वो टॉपिक पढ़ना होगा. लेकिन अगर आपके एग्जामिनेशन में कोई भी क्वेश्चन आता है फ्रॉम दिस पार्ट विच इज़ एल्गोरिथम्स, तो डेफिनेटली या तो वो बैक सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व हो जाएगा या मास्टर थ्योरम से सॉल्व हो जाएगा, नहीं तो आप उसमें गैसिंग करना भी बहुत ईजी है, तो गैसिंग करने से भी वो सॉल्यूशन सॉल्व हो जाएगा. तो ये ऐसा ईजी है, ऐसा पॉसिबल है. मैं काफ़ी ऐसे एग्जांपल्स लूँगा अपकमिंग वीडियोस में, काफ़ी ऐसे एग्जांपल्स लूँगा जिसको मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा कि मास्टर थ्योरम से जब आप उसको अप्लाई करते हैं, फिर अगर आप मास्टर थ्योरम आप नहीं भी अप्लाई करेंगे तब भी विद द हेल्प ऑफ गैसिंग आप कैसे उनको सॉल्यूशन कर सकते हैं. तो ये जो सभी टेक्निक्स हैं ये एग्जामिनेशन में क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहती है, ये आपको ज़रूर हेल्प करती है. अब देखो, एक यहाँ पर इस साइड में मैंने क्वेश्चन लिया है, इस क्वेश्चन को मैं बैक सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करूंगा. इस क्वेश्चन की एक और वेरिएंट होगी उसको मैं बैक सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करूंगा और इस पर आप ये जो मास्टर्स थ्योरम है इसको भी अप्लाई कर सकते हैं. तो क्वेश्चन क्या गिवन है, टी एन इज इक्वल टू टू टी एन माइनस वन माइनस वन इफ एन इज ग्रेटर देन वन एंड इट इज वन अदरवाइज. तो पहले मैं इसको बैक सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करता हूं. तो क्या हमारे पास टी एन इज इक्वल टू टू टी एन माइनस वन माइनस वन. अब हमें क्या करना है, टी ऑफ एन माइनस वन की वैल्यू निकालनी है, तो जहां पर भी एन था वहां पर एन माइनस वन पुट कर दो, तो क्या बनेगा हमारे पास, टू इंटू टू टी एन माइनस वन माइनस वन माइनस वन माइनस वन, तो क्या बन जाएगा हमारे पास, टू स्क्वायर टी एन माइनस टू माइनस टू माइनस वन. अब इसको और सॉल्व करिए, फिर एन माइनस टू की वैल्यू निकालिए, तो क्या जाएगा, टू स्क्वायर इंटू टू टी एन माइनस टू माइनस वन माइनस वन माइनस टू माइनस वन. तो क्या निकलेगा हमारे पास, टू क्यूब टी एन माइनस थ्री प्लस दिस इज एक्चुअली माइनस टू स्क्वायर माइनस टू माइनस वन. फर्दर आप इसको एक्सटेंड करते जाएंगे तो एक्सटेंड कहाँ तक होगा, ये होगा टू रेस्ट पावर के टी ऑफ एन माइनस के माइनस टू रेस्ट पावर के माइनस वन माइनस टू रेस्ट पावर के माइनस टू माइनस अप टू सो ऑन टू माइनस वन, जो कि हमारे पास सॉल्यूशन निकलेगा. अब आप देखो, ये जो सॉल्यूशन है इसमें हम इस टर्म को पहले रिजॉल्व कर सकते हैं, तो क्या बनेगा हमारे पास, टू रेज पावर के टी ऑफ एन माइनस के, यहाँ पर आप माइनस कॉमन ले लीजिए तो अंदर बचेगा वन प्लस टू प्लस टू स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन टू रेज पावर के माइनस वन. इस अब ये हमारे पास एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बन रहा है, तो इस ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का फॉर्मूला आप यहाँ पर लगाइए तो आपके पास आएगा टू रेज पावर के इंटू एन माइनस के माइनस ऑफ, अब ये देखो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में हमारे पास जो कॉमन रेशो है वो 2 है, तो फॉर्मूला क्या है हमारे पास, a इंटू आर रेस्ट पावर n माइनस वन अपॉन आर माइनस वन. तो यहाँ पर a की वैल्यू है 1 और r की वैल्यू है हमारे पास 2, तो फॉर्मूला बनेगा 2 रेस्ट पावर k माइनस वन अपॉन 2 माइनस वन.
अब इसको देखिए, इसको सॉल्व करेंगे तो बनेगा हमारे पास 2^k. तो अगर आप इसमें एज्यूम करते हैं लेट k इज इक्वल टू n माइनस वन, अगर k की वैल्यू हम n माइनस वन एज्यूम करते हैं तो क्या होगा. देखो k की वैल्यू को मैंने n माइनस वन इसलिए एज्यूम करा ताकि मैं इस टर्म को 1 बना सकूं. तो ये हमारे पास आएगा 2^n-1 इंटू टी एन माइनस ऑफ एन माइनस वन माइनस, देखो यहाँ पर क्या है हमारे पास डिवीजन में माइनस वन, तो इट इज़ माइनस 2^k-1. ठीक है, तो k की वैल्यू हमने क्या एज्यूम करी थी n माइनस वन, तो ये आ जाएगा माइनस एन माइनस वन. फर्दर आप इसको सॉल्व करेंगे तो निकलेगा 2^n-1 इंटू टी ऑफ 1 माइनस 2^n-1 -1. और हमें पता है टी ऑफ 1 की वैल्यू कितनी है, टी ऑफ 1 की वैल्यू है हमारे पास 1, क्योंकि वो हमें ऑलरेडी गिवन है और 2^n-1 इंटू 1 इज 1. तो आप देखेंगे ये और ये जो टर्म है आपस में कट जाती हैं, और ये जो माइनस है ये जब इस 1 के साथ मल्टीप्लाइड होगा तो ये 1 पॉजिटिव में बन जाएगा. तो हमारे पास जो सॉल्यूशन आएगा वो निकलेगा ऑर्डर ऑफ 1. इवन दो ये जो रिलेशन है जब आप इसको सॉल्व करेंगे स्टेप बाय स्टेप, इवन दो स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करने से जो पूरा रेकरेंस रिलेशन हमें ऐसा लग रहा था कि इसकी जो वैल्यू है वो 2 की पावर्स में होगी, 2 की पावर्स यानी कि एक्सपोनेंशियल होगी, लेकिन जब आप उसको सॉल्व करेंगे तो उसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो हमें ऑर्डर ऑफ 1 मिली. ठीक है, अब इसी रेकरेंस रिलेशन को जब हम इस मास्टर्स थ्योरम से सॉल्व करते हैं तो कैसे सॉल्व होगा. देखो इस केस में हमारे पास हमें पता है, देखो ए की जो वैल्यू है दिस इज ए विच इज 2, हमारे पास दूसरी टर्म है बी, बी की वैल्यू कितनी है हमारे पास माइनस, बी की वैल्यू है 1, हमारे पास फंक्शन एफ एन, तो एफ एन की वैल्यू कितनी है हमारे पास, एफ एन इज माइनस 1. ठीक है, तो एफ एन अगर आपके पास इस टर्म में है तो आप उस पर वो लगा सकते हैं, लेकिन ध्यान दीजिए यहाँ पर जो टर्म गिवन है ये पॉजिटिव में है, ये किस चीज़ में है, पॉजिटिव में, लेकिन जो टर्म गिवन है ये हमारे पास नेगेटिव है, तो इस केस में आप इस थ्योरम को नहीं लगा सकते. लेकिन अगर इस पूरी थ्योरम में अगर ये माइनस वन की जगह पर प्लस वन होता तो जो पूरी जो पूरा क्वेश्चन है उसका रिजल्ट अलग होता और उस पर आप इस थ्योरम को भी लगा सकते थे. देखो कैसे करेंगे, अगर ये क्वेश्चन इस तरीके से होता, लेट अस से टी एन इज इक्वल टू 2t(n-1+1). ध्यान दो क्वेश्चन वही है, बस डिफरेंस क्या है यहाँ पर, मैंने माइनस वन की जगह पर अब प्लस वन ले लिया है. अगर वहाँ पर माइनस वन था तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी निकली, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकली ऑर्डर ऑफ 1. लेकिन अगर प्लस वन है तो देखिए टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के अंदर ड्रास्टिक चेंजेस आ जाएंगे. कैसे चेंज आएंगे, ड्रास्टिक चेंजेस कैसे, देखो यहाँ पर टी ऑफ एन माइनस वन की वैल्यू निकालनी है तो कितना होगा 2t(n-2+1+1), जो निकलेगा हमारे पास 2^t(n-2+2+1). फर्दर आप इसको सॉल्व करेंगे तो निकलेगा 2^3(n-3+2^2+1). आप इसको एक्सटेंड करेंगे तो आएगा 2^k(t(n-k+2^k-1)+2^k-2+2+1). फर्दर अब ये देखिए आप इस रेकरेंस रिलेशन को सॉल्व कीजिए तो अब ये जो आपके पास ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है इसको सॉल्व कीजिए तो हमारे पास क्या आएगा 2^k(t(n-k+) इस पूरे ज्योमेट्रिक रिलेशन में फॉर्मूला कौन सा रहता है, a(r)(n-1)/(r-1), तो यह जाएगा 2^k-1/(2-1), जिसको हम फर्दर लिख सकते हैं 2^k-1. अब इस पूरे केस में लेट k इज इक्वल टू एन माइनस वन, तो टर्म क्या बनेगी हमारे पास, ये बन जाएगी 2^n-1 इंटू टी ऑफ एन माइनस ऑफ एन माइनस वन प्लस 2^n-1-1, जिसको आप फर्दर सॉल्व करेंगे तो निकलेगा हमारे पास 2^n-1 इंटू टी ऑफ 1 प्लस 2^n-1-1. अब इस केस में टी ऑफ 1 की वैल्यू हमें पता है इट इज 1, तो इस पूरे रिलेशन को हम क्या लिख सकते हैं 2 × (2^n-1)-1, जिसको हम फर्दर अगर आप सॉल्व करेंगे इस केस में तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 2^n-1. अब इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो ऑर्डर ऑफ 2^n हो चुकी है, यानी कि इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है इस केस में अब वो एक्सपोनेंशियल हो चुकी है. क्या हो चुकी है, एक्सपोनेंशियल. डिफरेंस क्या रहा, डिफरेंस बस ये रहा कि यहाँ पर माइनस की जगह पर हमने प्लस वन कर दिया. पिछले केस में हमारे पास माइनस वन था, इस केस में हमारे पास प्लस वन है. जस्ट बिकॉज ऑफ प्लस वन इस पूरे जो रेकरेंस रिलेशन की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो हमारे पास बनी ऑर्डर ऑफ 2^n, और 2^n का मतलब है इट इज़ ए एक्सपोनेंशियल रेकरेंस रिलेशन. क्या है ये, एक्सपोनेंशियल रेकरेंस रिलेशन. ठीक है, अब इस पर अगर आप यही जो थ्योरम है हमारे पास हम इसी पूरी थ्योरम को लगा रहे हैं तो क्या होगा, देखो दिस इज
द वैल्यू ऑफ ए, दिस इज द वैल्यू ऑफ बी. अब हमें फंक्शन एफ एन की वैल्यू पता है, और इस फंक्शन एफ एन अगर हमारे पास एन रेस पावर के है तो के की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास? जीरो. अब देखो पहला टर्म क्या है हमारे पास, इफ ए इज लेस देन वन तो ए इज नॉट लेस देन वन, इफ ए इज इक्वल टू वन ये भी वैलिड नहीं है. तीसरा केस क्या है हमारे पास, इफ ए इज ग्रेटर देन वन, यस ए इज ग्रेटर देन वन, तो क्या होगा हमारे पास सॉल्यूशन, सीधा सॉल्यूशन शॉर्टकट क्या है हमारे पास, एन रेज टू पावर के, के की वैल्यू कितनी थी जीरो इन टू ए, ए क्या हमारे पास टू, टू रेज टू पावर एन डिवाइड बाई बी, एन टू इज पावर एन डिवाइड बाई बी, और बी की वैल्यू क्या हमारे पास माइनस वन, तो क्या होगा टू रेज टू पावर वन, तो बी की वैल्यू क्या है हमारे पास वन, तो ये हमारे पास टू रेज पावर वन, तो ये हो जाएगा हमारे पास टू रेज टू पावर एन. तो क्या है, तो इस केस में आप सिंपली बता सकते हो, अगर आपको डायरेक्टली पता है कि मास्टर्स थ्योरम फॉर सब्ट्रैक्शन एंड कॉन्कर कैसे काम करती है, तो आप इसको चाहे तो बैक सब्स्टिट्यूशन मेथड सॉल्व कीजिए या फिर चुटकियों में इस थ्योरम को लगाइए और इसको सॉल्व कर लीजिए. समझ में आया, चुटकियों में थ्योरम को लगाइए सॉल्व कर लीजिए और इससे आपका आंसर निकल आएगा. आई होप आपको ये समझ में आया होगा. ठीक है, तो मोस्टली जो आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन हैं वो मास्टर्स थ्योरम से सॉल्व हो जाने चाहिए. पहला प्रेफरेंस आपकी मास्टर्स थ्योरम है. अगर मास्टर्स थ्योरम नहीं आता तो फिर आप बैक सब्स्टिट्यूशन से भी ट्राई कर सकते हैं. अगर बैक सब्स्टिट्यूशन नहीं आता तो एक और टॉपिक है मैथमेटिक्स में रिकन्सिलेशन, वो टॉपिक मैंने ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है, आप उस टॉपिक को प्लीज़ जाके चेक कीजिए. अगर नहीं भी करते नो प्रॉब्लम, अभी मैं दोबारा से जो रिकन्सिलेशन टॉपिक है उसको हिंदी में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, दोबारा से पूरी डिस्क्रीट मैथमेटिक्स को भी हिंदी में रिकॉर्ड कर रहा हूँ. तो जब आप हिंदी में मेरे डिस्क्रीट मैथमेटिक्स की वीडियोस देखेंगे तब भी आपको वो चीज़ समझ में आ जाएगी. करेक्ट. अब देखो, अब मैंने एक बेसिक फाउंडेशन आपके लिए बना दिया है, एक बेसिक फाउंडेशन बना दिया है जिसमें एल्गोरिथम एनालिसिस को आप समझ चुके हैं. समझ मेरे कहने का मतलब क्या है कि अब आपको यह पता चला है कि हम एल्गोरिथम्स को कैसे एनालाइज करेंगे. एनालाइज करने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कॉन्सेप्ट्स ऑफ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, कॉन्सेप्ट्स ऑफ स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी. टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कैसे मेजर करते हैं और क्यों करते हैं, उसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट है, क्या फंडा है, क्या रीज़न है बिहाइंड इट, वो मैं अब आपको करा चुका हूँ. अब हमारा एम क्या है कि ये सब मैंने बेसिक एल्गोरिथम्स लेके आपको कॉन्सेप्ट समझाएं. बेसिकली मैंने आपको बताया कि चीज़ें कैसे काम करती हैं. अब काम हमारा ये है कि हम पूरे सब्जेक्ट में, पूरे एल्गोरिथम सब्जेक्ट के अंदर जितने भी क्वेश्चंस आए हैं, जितने भी एल्गोरिथम्स हैं, चाहे वो छोटी से छोटी एल्गोरिथम हो, सर्चिंग के अंदर सेलेक्शन सॉर्ट, बबल सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट, क्विक सॉर्ट, जितनी भी सॉर्टिंग टेक्निक्स है हम एक एक करके सभी सॉर्टिंग टेक्निक्स को उठाएंगे. उसके बाद जितनी भी ग्रीडी एल्गोरिथम है सबको उठाएंगे. फिर जितनी भी हमारे पास डायनेमिक प्रोग्रामिंग के एल्गोरिथम है सबको उठाएंगे. जो भी हमारे पास ग्राफ एल्गोरिथम्स है सबको उठाएंगे. और उन सभी के केसेस में हम ये एनालाइज करते चलेंगे कि कौन सी एल्गोरिथम किसी दूसरी एल्गोरिथम से बेटर है, कौन सी ऐसी एल्गोरिथम है जिसको आपका कंप्यूटर सॉल्व नहीं कर सकता. रिमेंबर, ऐसी बहुत सारी एग्जिस्टिंग एल्गोरिथम है जो कि हमारी करंट कंप्यूटेशन पावर्स, आप जितनी भी कंप्यूटेशन पावर है आप सबको लगा दीजिए, जितनी भी आपके पास, इवन द फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर इन द वर्ल्ड आप उसको लीजिए और उसको वो प्रॉब्लम्स दीजिए, तो जो फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर है वो भी उसको सॉल्व नहीं कर पाएगा. क्यों? क्योंकि उनकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो एक्सपोनेंशियल है. अगर ऐसी काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हैं जहाँ पर एक्सपोनेंशियल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, जो कैटेगरी में आती है हमारे पास एन पी प्रॉब्लम्स के केस में. हमें पता है एक एन टाइप की प्रॉब्लम होती है, एक पी टाइप की प्रॉब्लम होती है, विच इज एन पी प्रॉब्लम, राइट? तो एन पी हार्ड, एन पी कंप्लीट, इस तरीके से हम उनको समझेंगे कि आगे होता क्या है सब्जेक्ट के एंड में. हम कैटेगराइज करेंगे एल्गोरिथम्स को और ये फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे कि कौन सी ऐसी एल्गोरिथम है जिसको हम सॉल्व नहीं कर सकते. अगर उसको हम सॉल्व नहीं कर सकते, क्या हम एल्गोरिथम्स को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं? हम कुछ ऐसी एल्गोरिथम को सॉल्व नहीं कर सकते, उनको डायनेमिक प्रोग्रामिंग के थ्रू ऑप्टिमाइज कर उनका ऑप्टिमाइज्ड सॉल्यूशन भी निकालने की कोशिश करेंगे. ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा. अब हम एक जो एक टॉपिक है इसकी बेसिक फाउंडेशन हमने क्रिएट कर दी है कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बेसिक फाउंडेशन क्या होती है. अब आपको बेसिकली पता है कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है क्या. अब आप क्या कर सकते हैं, बुक उठाइए एल्गोरिथम्स की, चाहे वो कोई भी बुक हो, चाहे वो कॉर्मेन हो, चाहे वो नरसिम्हा कारुमांची हो, चाहे वो टेनेनबॉम हो, कोई भी आपके पास बुक है एल्गोरिथम की उसको उठाइए. पहला जो चैप्टर है एल्गोरिथम्स का जहाँ पर हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस करते हैं उसको गो थ्रू कीजिए और फिर दोबारा से अब हम कंटिन्यू करेंगे आगे इसी टॉप. अब आगे पूरे चैप्टर में यही करना है हमें, पूरी बुक में यही करना है. तो हर एक एल्गोरिथम को एक एक करके बेसिक से लेता चला जाऊँगा, स्टार्टिंग से एंड तक हर एक एल्गोरिथम के लिए मैं आपको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी समझाता चला जाऊँगा. ठीक है, आई होप यू एन्जॉयड दिस सेशन.
अब हम नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे जहाँ पर मैं नेक्स्ट चैप्टर शुरू करूँगा विच इज़ अबाउट द सर्चिंग एंड सॉर्टिंग टेक्निक्स. पहले मैं आपको बेसिक सर्चिंग सॉर्टिंग टेक्निक्स से समझाऊंगा क्योंकि वो बहुत ही ईजी टेक्निक्स हैं, बहुत ही ईजी एल्गोरिथम्स हैं. उसके बाद जो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड एल्गोरिथम्स होती हैं हम उनको एक एक करके लेंगे और उनके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को एनालाइज करने की कोशिश करेंगे. आई होप यू एंजॉयड दिस सेशन. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.